शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिटाइए शौक से, मिटाइए राजकुमारी साहबा, ये मर्द का खून है, इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। आपने मेरे खून से अपने हाथ रंग लिए और मैंने उसी खून से आपकी मांग भर दी। इस तरह आपका वादा और मेरी कसम दोनों पूरे हुए। अब जाकर अन्न जरूर खा लीजिएगा, मैं भी थोड़ा बहुत पानी पी लूंगा। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, आईने में सूरत देखकर अगर मेरी याद आ जाए तो शर्म से सर झुका लीजिएगा। हाँ, यहां नहीं, महल जाकर अकेले में आईने के सामने। ए राजा, ये तेरे यार की अमानत है, इसे बड़ी हिफाजत से महल तक छोड़कर आना, समझा? हाँ, समझ गया, जा। मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ, मेरे कपड़े ले आओ। राजकुमारी जी, आपके माथे पे ये खून? खून? राजकुमारी, राजकुमारी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आकाश पाताल साफ छान मारे। जहन्नुम में ढूंढा आपने? जी जी नहीं। तो जाइए वहीं ढूंढिए। अपने आप को मर्द कहते हैं आप? मर्द तो एक तरफ, आप तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं, पुरसिल कहीं के। आप तो खाम खा नाराज हो रही हैं। वक्त आने दीजिए, मैं उसे एक न एक दिन तलाश करके रहूंगा, और जिस दिन वो हरामजादा मिल गया ना, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट कर आपकी चरणों में पेश कर दूंगा। आप काटेंगे? आपके बाजू में वो शक्ति और तलवार में वो धार है जो फौलाद को काट सके। फौलाद? जी हाँ, वो फौलाद से ज्यादा मजबूत है, शेर से ज्यादा ताकत है उसमें, और खून में वो गर्मी है जैसे पिघला हुआ सीसा दौड़ रहा हो। खून तो हमारा भी बहुत गर्म है राजकुमारी, अगर फौलाद पर छिड़क दो ना तो उसमें भी छाले पड़ जाए। अच्छा, जरा हाथ दीजिए। लीजिए। उल्मा, दर्द हो रहा है? नहीं। जरा इसे माथे पे लगा दीजिए। लीजिए। अब इसे पूंछ डालिए। लीजिए। आप इसे खून कहते हैं? ये खून तो पानी से भी पतला है। बहादुर का खून इतना गाढ़ा होता है कि एक बार जहां लग जाए वहां बड़ी मुश्किल से मिटने वाला निशान छोड़ जाता है। राजकुमारी जी, खून तो मेरा भी बहुत गाढ़ा था, लेकिन वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। पल्लवी, तुम ठीक तो हो ना? उस कमीने ने तुम्हारे साथ कोई गुस्ताखी तो नहीं की? पल्लवी ने आज तक किसी गुस्ताख को जिंदा छोड़ा है? वो घाव दिया है उसे कि जब तक जिंदा रहा मौत के लिए दुआ मांगता रहेगा। तुम्हारे जख्म कैसे लगा? आओ आओ मेरे साथ। खून काफी बह गया है, कुछ कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहे? मर्द का खून और औरत के आंसू जब तक ना बहे उनकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। इन पत्तियों से जलन तो काफी होगी,
लेकिन जख्म बहुत जल्द भर जाएंगे। लोहार हूँ बाबा, आग की तपस सह जाता हूँ, ये तो मामूली पत्तियां हैं। एक बात मानोगे, अपने आप को इन महलों और राजकुमारियों से दूर रखो, वरना ये शरीर का जख्म नासूर बनकर दिल में उतर जाएगा। अब तो बहुत देर हो चुकी है बाबा, मैं आग में कूद चुका हूँ, अब शरीर जले या आग बुझे इसकी कौन परवाह करता है। कभी मैं भी यही समझा था, अपनी औकात भूल कर जवानी के जोश में एक ऐसी ही आग में कूद पड़ा था। आग तो बुझ गई लेकिन मैं आज तक उसमें चल रहा हूँ। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, अगर आप मेरी मदद करें तो मैं इस अनहोनी को होनी साबित कर सकता हूँ। मैं समझा नहीं। मालिक ने इन बाजू में इतनी ताकत दी है कि लोहे की सलाखों को कपड़े की तरह कलाई पर लपेट सकता हूँ, मगर उसी लोहे की बनी हुई तलवार को आपकी तरह चला नहीं सकता। बाबा कहते थे आप जैसे समुराई चलाने वाला पैदा नहीं हुआ, अगर आप समुराई मुझे सिखा दें तो। नामुमकिन है। लेकिन क्यों? मैंने फैसला किया है कि ये समुराई या तो अपने बेटे को सिखाऊंगा या किसी मर्द के बच्चे को जो इसके काबिल हो। तो मुझे अपना बेटा समझकर ही सिखा दीजिए। नहीं, ना कोई मेरा बेटा है और ना मैं किसी का बाप हूं। तो किसी बहादुर बाप का बेटा समझकर ही सिखा दीजिए। इसे चलाने के लिए लोहे का जिगर और फौलाद का कलेजा चाहिए। तुम अभी बच्चे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। ये बात है तो फिर हो जाए दो दो हाथ, अभी पता चल जाएगा लोहे का जिगर किसका है और किसका नहीं। जाओ बेटे घर जाओ, अभी जख्म ताजा है, फिर से खून न बहने लगे। ये क्यों नहीं कहते मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं है आपने, डरते हैं आप। मुंह संभाल कर बात कर वरना। इसके तो धनी हैं आप, जरा इसे फेंक कर आइए। माँ कसम इस हालत में भी आपको पूरा पढ़ सकता हूँ। ही तुम्हारी रगों में किसी मर्द का खून है, हम तुम्हें सिखाएंगे। शाबाश शेरू, समुराई का पहला सबक, बायां हाथ आगे। समुराई का दूसरा सबक, समुराई अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। इसलिए तुम वार करो, मैं बचाना सिखाता हूं। नहीं रुक जाओ। धर्म, तीसरा सबक, आंख तलवार की तरफ नहीं, सामने वाले की आंखों में कड़ी रखो,
कभी तुम धोखा नहीं खाओगे। पेट का वार इस तरह काटोगे तो तलवार पेट को चीरती हुई पीठ के बाहर निकल आएगी। मैं बताता हूं, बाजी में ये तो अपना भी लाभ निकला। मेरा दोस्त है वीर सिंह। दरअसल ये समझ रहा था हम आपस में लड़ रहे हैं। शाबाश, आज जिंदगी में पहली बार एक नहीं दो वीरों से मुलाकात हुई है। हाँ मेरे बच्चों, क्या बताऊं मां, आज एक भी पुरुष के दर्शन हुए। क्या तलवार चलाते हैं, ना तलवार नजर आती थी ना तलवार का वार नजर आता था, बस वार का चमत्कार नजर आता था। पढ़ते ही एक के तो रामलू ने अपना गुरु बना लिया है। कौन से तलवार चलाना सीख रहा है? ऐसे वीर पुरुष को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए, हम उन्हें अपना सेनापति बना लेते। मैंने बहुत कहा मां, लेकिन वो नहीं माने, बोले हम राजमहल नहीं जाएंगे। क्यों? वो तो कुछ नहीं बताया मां। और हाँ मां, उनके पास एक ऐसा बाज है। बाज? हाँ मां, ऐसा बाज है कि समझ बूझ और अकल में इंसानों से बाजी मार ले जाए। क्या नाम है उनका? ज्वाला सिंह। धीरजपुर की महारानी को एक मामूली शिकारी के झोपड़े में इतनी रात से यूं अकेले नहीं आना चाहिए था। आप जिंदा थे तो लौट कर वापस क्यों नहीं आए? लौट कर क्यों नहीं आए? आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जब हम आपके तलाश में गए तो एक लाश मिली, उसे आपकी लाश समझ कर हम अपने होश आवाज खो बैठे। पिताजी ने उसी हालत में हमारी शादी कर दी। फिर जब होश आया तो ये दुनिया लुट चुकी थी। मैं भी अपने होश और आवाज खो चुका हूँ। होश आया तो मेरी दुनिया भी लुट चुकी थी। मेरी मीनाक्षी मर चुकी थी। मर चुकी थी? हाँ महारानी, जिस दिन मीनाक्षी की मांग में किसी और का संतूर भरा गया था उसी दिन गरीब ज्वाला की पत्नी मीनाक्षी मर गई। मैंने खुद अपने हाथों से उसकी चिता जलाई। पहले हर रोज जिसकी पूजा करता था, अब रोज उसकी राख का तिलक अपने माथे पर लगाता हूँ। तकदीर सब पर मेहरबान नहीं होती महारानी। काश मेरी मीनाक्षी न मरती तो आज वो मेरे बच्चे की माँ होती। नहीं बेटी, आपका हमारी और हमारे वंश की मर्यादा की आप कभी किसी पर ये राज जाहिर नहीं होने देंगी कि आपकी औलाद असल में हमारी औलाद नहीं। अब मैं आपको कैसे बताऊं? यही ना कि आप होश में नहीं, और जब आपको होश आया तो वायदे टूट चुके थे, दुनिया लुट चुकी थी। और अब जब आप होश में हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आप धीरजपुर की महारानी हैं, एक बहादुर और होनहार बेटे की माँ हैं, और हम दोनों एक दूसरे के लिए अब अजनबी हैं।
सुनिए महारानी, आपके और मेरे बीच ये शराफत की दीवार है, इसे पार मत कीजिए। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक महारानी हैं। जाइए, आप अपनी दुनिया में लौट जाइए। ए धर्म, ये क्या सुना? मेरे लोहे जैसा दोस्त एकदम चूहे जैसा हो गया, न खाता है, न बोलता है, न हथौड़ा उठाता है। किसी काम में दिल नहीं लगता यार। क्यों? 10 दिन हो गए उसे देखे हुए। किसे? तेरी भाभी को। राजकुमारी, तो मामला यहां तक पहुंच चुका है। वीर, एक बार उसे मिलवा दे, मां कसम सारे गांव का खाना अकेला खा जाऊंगा, और फिर हथौड़ा ऐसा उठेगा कि सारे गांव का काम 2 दिन में कर दूंगा। हो जाएगा ना? क्या रे, जब तक वीर है सब कुछ हो जाएगा। अब तो तुझ पे भरोसा है।